नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव आया था एक शख्स, वो भी अब कोरोना को हराकर अपने घर वापस आया है। मुंब्रा में सबसे पहले अमृत नगर दादी कॉलोनी में पेशेंट पाया गया था, और जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की संख्या मुंब्रा में बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ अब तक 22 के करीब लोग कोरोना को हराकर ठीक होकर अपने घर पहुँचे हैं। और मुंब्रा में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव की संख्या अमृत नगर दादी कॉलोनी के आसपास इलाकों में पाया गया है, और उसके दौरान लेकिन 14 दिन क्वारंटाइन के बाद अब तक 5 से 6 बिल्डिंगों की सील खोला गया है, और सील हुए इमारत में पाए गए कोरोना पॉजिटिव की इलाज होने के बाद वो भी घर लौटे हैं, यानी घर पहुँचे हैं। दरअसल इस पैनल में 4 नगर सेवक हैं, 2 नगर सेवक और 2 नगर सेविका। लेकिन ऐसे हालात में नगर सेवक सानू पठान की तस्वीरें सबसे आगे रही हैं। बहरहाल आप ये मत सोचो कि कोरोना की संख्या कम हो रही है, बल्कि कोरोना की संख्या बढ़ती ही जा रही है। दादी कॉलोनी सबनम अपार्टमेंट मुस्कान विघ्नहारता बिल्डिंग के बाद सुहाना में एक पेशेंट पाया गया है। सुहाना में रहने वाले जिस शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बुखार आ रहा था, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने टेस्ट की और फिर उन्हें लेकर गई है। ये तस्वीर है कोरोना पेशेंट को ले जाते हुए, और अब इनके परिवार के लोगों को कोरोना टेस्ट करके क्वारंटाइन किया जाएगा। पिछले दिनों तनवर नगर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, और आज ही के दिन रसीद कंपाउंड में एक और कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन अमृत नगर में जिस तरह से नगर सेवक सानू पठान ने तन मन धन से लोगों की मदद की है, मदद करने में आगे आए हैं, लोगों ने उनकी हिम्मत को सराहा भी है। विघ्नहारता इमारत का पहला पेशेंट घर वापस लौटने के बाद नगर सेवक सानू पठान ने क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए। 46 पेशेंट में से लगभग 14 पेशेंट युवा प्रभात समिति के अंदर की, इसके बाद 8 पेशेंट मुंब्रा के रिटर्न अभी उनको मिला के आ गए। जो पहला पेशेंट आज दिखना था वो भी आ गए, और 8 पेशेंट आ गए। अब मुंब्रा कौसा के अंदर जो हाई रिस्क के पेशेंट है वो भी लगभग नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आई है, मैंने ऐसे मालूम निकाल लिया। तो मुंब्रा कौसा को आने वाले दिनों में बहुत राहत मिलेगी। लेकिन सुहाना में एक पेशेंट बढ़ा है, और आगे कौसा में भी कोई पेशेंट बढ़े, हमें एहतियाती की ज़रूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको अच्छी बात ये बता दूँ कि अभी तक ये बीमारी जो है वो सिर्फ जो रिलेटिव है और जो रिलेशन में कॉन्टेक्ट हुआ उन्हीं के तौर पर फैली, आम तौर पर नहीं फैली। हमें बाज़ारों पर भीड़ रहने से बचना चाहिए, और जो बाज़ार लगाए जा रहे उसको छोटे छोटे तबके में लोग बाज़ार वालों से भी मिलती है कि कॉम्प्लेक्सों में गलियों में छोटी छोटी दुकानें करके बेचे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख के बेचे। तो आपने सुना नगर सेवक सानू पठान ने क्या कहा। सुहाना बिल्डिंग में आज एक पेशेंट मिलने के बाद फिर उस इलाके में हड़कंप मच गया है। लेकिन जिस तरह से सरकारें प्रशासन आवाहन कर रही हैं, सावधान रहें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, नियमों का पालन करें, क्योंकि मुंब्रा में कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, और इन्हीं आंकड़ों में 22 लोग अब तक ठीक होकर घर पर भी पहुंच चुके हैं। तो इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।